नागपूरचे माजी काँग्रेस शहराध्यक्ष शेख हुसेन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात जे वक्तव्य केलं होतं त्याविरोधात भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत शेख हुसेन, माजी पालकमंत्री नितीन राऊत, आमदार विकास ठाकरे, आमदार अभिजित वंजारी, नागपूर ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र मुळक असे अनेक काँग्रेसच्या नेत्यांच्या विरोधात याचिकेत नाव आहे. उद्या उच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी आहे. अपील दाखल किया है, उसकी नोटिस भौतिक एक दो दिन में इशू हो जाएंगी और श्रीरंग खेड़कर जी हमारे वकील है और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इसमें न्याय मिलेगा और ये सबके सब लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल होगा और ये सभी लोग अंदर होंगे क्योंकि देश के पंतप्रधान के ऊपर इस प्रकार का प्रहार करना, इस प्रकार के शब्द का उपयोग करना ये कोणते ही राजकीय व्यक्ति को शोभा नहीं देता और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि न्यायालय भी न्याय देगा और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी. आपने बताया कि इसमें माजी पालक मंत्री के साथ और कौन कौन नेता हैं, क्या कहेंगे? माजी पालक मंत्री उस समय के पालक मंत्री थे नितिन जी राउत, आमदार विकास ठाकरे, आमदार अभिजीत वंजारी, माजी मंत्री राजेंद्र मुळक, माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे और भी दो चार मंत्रियों के जो उस मंच के ऊपर उपस्थित थे. एक मंत्री ने तो उसकी पीठ थपथपाने का काम किया कि तूने ये अच्छा बोला करके, और इसीलिए इनके शेख हुसैन के साथ ये भी उनके आरोपी है कि गुनेगारी करने वाले से बड़ा गुनेगार उसको सहयोग करने वाला होता है और इसीलिए ये भी उसके अंदर आरोपी है और इसीलिए मैंने उच्च न्यायालय में धाव लिया और निश्चित रूप से हमको न्याय मिलेगा. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.